स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल वेल्डर एडवर्ड एडवर्ड चैनल पे। तो आज हम 20 क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं जो वेल्डर ट्रेड में टेक्नीशियन में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो देरी ना करके आज हम बात करते हैं वेल्डिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, चीपिंग हैमर का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, तो किस लिए किया जाता है, क्वेश्चन कहना है। चीपिंग हैमर का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम है, ऐसा चीपिंग हैमर होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव आंसर कौन सा हो जाएगा। चीपिंग हैमर किस लिए रखते हैं हम लोग, चीपिंग करने के लिए, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए, ठीक है, चीपिंग हैमर को हम लोग चीपिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग द्वारा धातुओं को जोड़ा जाता है यह विधि है। जो आर्क वेल्डिंग होता है उससे हम लोग धातु को जोड़ते हैं, वो विधि क्या कहलाती है। को ऑप्शन है अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसमें अस्थाई हो जाएगा। जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो हमेशा परमानेंटली के लिए ज्वाइंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग में जलने में सहायक गैस होती है कौन सी। गैस वेल्डिंग में जलने के सहायक गैस होती है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, एसिटिलीन, ऑक्सीजन, कार्बन, प्रोपेन। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, जलने के सहायक होता है, बताइए। यहाँ पे पूछ रहा है गैस वेल्डिंग में जलने में सहायक गैस होती है, यानी पूछ रहा है सबसे पहले कौन जलती है। ठीक है ना, पूछ रहा है सहायक कौन सी गैस होती है, तो इसका ऑक्सीजन हो जाएगा आंसर, ऑक्सीजन। ठीक है ना, एसिटिलीन को जलाने में और उसके साथ में सहायक गैस होती है ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैस सिलेंडर को हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, क्या बोल रहा है। जब हम लोग गैस सिलेंडर उपयोग करते हैं उसको किस अवस्था में प्रयोग करना चाहिए, लेटी अवस्था में, तिरछी अवस्था में, खड़ी अवस्था में, उपयुक्त में सभी, कौन सी अवस्था में यूज करना चाहिए हमको। ऑप्शन सी, खड़ी अवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुरक्षा का उपकरण नहीं है। जो सेफ्टी के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुरक्षा उपकरण नहीं है। एप्रान, ये भी सुरक्षा उपकरण है, सेफ्टी वाल, लेग गार्ड, बेंच वाइस। देखिए इसमें सुरक्षा का उपकरण ऑप्शन डी, बेंच वाइस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड वेल्डिंग करते समय वेल्डर को डॉट डॉट का उपयोग करना चाहिए। देखिए ओवरहेड क्या होता है कि जो हम लोग सिर के ऊपर से वेल्डिंग मारते हैं, जो ऊपर की ओर वेल्डिंग मारते हैं, तो हमको उसकी सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए, वेल्डिंग हेलमेट पहनना चाहिए, वेल्डिंग स्किन पहनाइए या सुरक्षा चश्मे पहनाइए, ऊपर ने सभी, कौन सा पहनोगे ओवरहेड वेल्डिंग करते समय पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा वेल्डिंग हेलमेट। ठीक है, वेल्डिंग करते समय यदि वेल्डिंग हेलमेट नहीं होगा तो चिंगारी सब फेस पे आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड टिप और जॉ के मध्य सीधी दूरी होती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग जब होता है उसके बरोबर पर जो हमारा इलेक्ट्रोड टिप और जॉब के मध्य जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं या आर्क की मोटाई कहते हैं या आर्क की लंबाई कहते हैं या उपयुक्त में सभी, उसमें क्या कहेंगे। उसमें हम लोग कहेंगे आर्क की लंबाई, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये हो गया हमारा वर्क पीस हो गया, और ये हो गई मेरी आर्क वेल्डिंग की टिप, यहाँ से ये हमारा वर्क पीस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोड, तो इसके बीच में जो गैप है वो क्या कहलाएगी, आर्क की लंबाई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
या चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेनिट्रेशन की कमी किसके कारण होती है? जो पेनिट्रेशन बट ज्वाइंट में ही पेनिट्रेशन दिखता है तो क्या होता है, किसकी कमी से होता है, ये पूछ रहा पेनिट्रेशन। लो करंट, अगला ऑप्शन है हाई करंट, कम वेल्डिंग स्पीड या शॉर्ट आर्क लेंथ। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, इसमें ए हो जाएगा लो करंट। यदि हम गैप भी कम रखेंगे तो भी हो सकता है पेनिट्रेशन नया आए, और जब करंट हम इसके अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे तो अनकम्प्लीट पेनिट्रेशन आएगा, ठीक है, पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आर्क वेल्डिंग में विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है, डीसी करंट या डीसी एसी दोनों या एसी या उपयुक्त में कोई नहीं। तो हम लोग आर्क वेल्डिंग में दोनों यूज करते हैं, डीसी से भी चलता है और एसी से। डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट है, और एसी क्या है, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डीसी और एसी के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, बट वेल्डिंग में दो प्लेटों के बीच में जो गैप रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, एक जॉब ये है और एक जॉब ये है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो गैप रखा गया है, ये वाला गैप, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रूट गैप, ऑप्शन बी थ्रोड की मोटाई, ऑप्शन सी टो, और ऑप्शन डी फेस। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, रूट गैप। जब हम लोग दोनों जॉब रखते हैं, ये बराबर पर रखते हैं सतह पे, तो बट ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो अब इसके इसके बीच में जो गैप दिख रहा है, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, बोलते हैं ना कि रूट क्लियर करो, कंप्लीट करो, तभी तो इसको बोलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा रूट गैप, ठीक है, आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्मिट अभिक्रिया 1550 डिग्री सेल्सियस पर प्रारंभ संपूर्ण मिश्रण का तापमान कितना पहुंचाया देती है? थर्मिट वेल्डिंग के लिए है 1550 डिग्री पर यह संपूर्ण मिश्रण के ताप कितना पहुंचा देती है, कितना पहुंचाती है? ऑप्शन हो जाएगा 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थर्मिट पाउडर का घटक निम्न में से कौन सा है? थर्मिट पाउडर को पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर, दोनों मिलके ही पाउडर बनता है, इसका घटक निम्न वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मिट वेल्डिंग में पिघली हुई धातु को कौन सा जोड़ बनाती है? कौन सा जोड़ बनाती है, कठोर और मजबूत? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड सीमित द्वारा थर्माइट पाउडर का मिश्रण किस जगह से बनाया जाता है? किस जगह से बनाया जाता है? किस जगह से बनाया जाता है बाबू, कमेंट करिए। इंग्लैंड में बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थर्माइट पाउडर का मिश्रण किस सन में बनाया गया था? जो पाउडर है वो किस सन में बनाया गया था? वो 1895 सन में बनाया गया था, सन 1895 में थर्माइट
पाउडर का मिश्रण बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस वायु से कितने गुना हल्की होती है? जो हाइड्रोजन गैस होती है वायु से कितनी गुना हल्की होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू 14.37, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड धातु में प्रतिघात ऊर्जा का मान होना चाहिए, प्रतिघात का मान होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितना होना चाहिए? 40 जे से अधिक। ठीक है, वेल्डिंग उपकरणों में निम्न में से कौन सी गैस प्रायः सीलिंग गैस के रूप में प्रयोग नहीं की होती है? प्रयोग नहीं होती है, कौन सी है? नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, इनमें से कौन सी नहीं है? इसमें बोल रहा है शील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग नहीं होती है, तो इसमें कौन सी नहीं होती है? नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तांबे के लिए शील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग करते हैं, तांबे के लिए शील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग करते हैं आर्गन, हीलियम, आर्गन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। जब हम लोग तांबे के लिए शील्डिंग गैस का उपयोग करते हैं कि कौन सी गैस यूज करते हैं? हीलियम गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में गैस शील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग की जाती है, बोल रहा क्वेश्चन, जो हम लोग टिग वेल्डिंग यूज करते हैं उसमें प्रायः कौन सी गैस हम लोग यूज करते हैं? टिग वेल्डिंग जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग कौन सी गैस यूज करते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, तो इसमें से हम लोग कौन सा यूज करते हैं? आर्गन। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हुआ वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।